hello guys welcome or welcome back to loggery i hope all of you are doing great all of you are fine and safe i'm so sorry yet video i upload about around 12 o'clock i'm going to record and edit the video right now because i was not doing well so but i know a lot of you were texting me about the video ki last two days key strategy for mhcd 3 year law entrance exam so let's begin with the video let's get started if you like the video then do like it. Comment if you have any queries, I'm going to answer them. And yeah, let's get started with today's session. So first and foremost, Jesse like you said, कौन कितने टाइप के स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया होगा ठीक है ज़ीरो पे स्टैंड कर रहे होंगे या बहुत कम किया होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वे गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए अभी इस टाइम पे करंट अफेयर्स जो हैं दो दिन में कवर करने बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं नोट्स बनाए हुए हैं कहीं से पढ़े हुए हैं तो आप ऑब्वियसली वहाँ से रिवाइज कर सकते हो बट फ्रॉम स्क्रैच करना इज़ इम्पॉसिबल काइंड ऑफ उसके लिए आप मेरे करंट अफेयर्स अगर आपने बाइक की हुए हैं तो वहाँ पर जो करंट अफेयर्स दिए हुए हैं अगर मेरे टेस्ट आपने बाय करे हुए हैं तो वहां पर जो आपने यू uh, नो you know, मैंने आपको करंट अफेयर्स दिए हुए वो जरूर रट्टा मार के जाएं ये कुछ हेल्प कर सकते हैं आपको मेरे मॉक टेस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगे डॉट इन पर अवेलेबल है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है ना तो so यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कर रहे हैं देखिए आपका हिस्ट्री जोग्राफी मतलब इसके अगर आप एम सी क्यूज भी इस टाइम पर भी रट्टा मार लोगे ना मतलब याद कर लोगे जैसे तैसे एम सी क्यूज डायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं यहाँ पर मैं टॉपिक्स लिख रही हूँ हिस्ट्री जोग्रफी साइंस इकनॉमिक्स important days. इंपॉर्टेंट डेज के अंदर मतलब जो एम सी क्यूज़ हैं वो याद कर लो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ठीक है ये सारे अगर आप कर लेते हो एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर इसके एम सी क्यूज़ ही कर ले हम तो बहुत सही रहेगा यूनिवर्सल मैं सुजेस्ट करती हूँ बाकी आपके पास कोई भी बुक है ना इस टाइम पे गो हैड एंड स्टडी फ्राम दैट बुक लीगल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम सी क्यूज़ डायरेक्टली रट्टा मार लो एंड लीगल जी के के जो मे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके टॉट्स कॉन्ट्रास्ट क्रिमिनल लॉ के ये आप रट्टा मार सकते हो ठीक है इतना भी अगर हम कर लेंगे तो बहुत हमारा है लॉजिकल के अंदर कोडिंग ठीक है मतलब कुछ नहीं तो हर सब्जेक्ट हर के साथ दो दो घंटे स्पेंड कर लोगे ना तो देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है तो वहां पर कुछ और नहीं पेपर देने जाओगे फीस भरी हुई है तो कम से कम कुछ तो सॉल्व करके आओगे ना सिलोजिज्म पजल टेस्ट टेस्टिज्म भी छोड़ो पजल टेस्ट ठीक है ना ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से कर सकते हो एम पांडे में से कर सकते हो जो भी बुक है आपके पास इस टाइम पे उसमें से आप कर सकते हो इंग्लिश के अंदर आर सीज यार आर सीज हैं ठीक है रूल्स देख सकते हो ग्रामर के टेंसेज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इनके रूल्स देख सकते हो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये आप कर सकते हो मैथ्स आपका है ही नहीं है मैथ सी टी थ्री ईर में विच इज अ गुड थिंग ठीक है तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू अब देखिए अगर आपके ये टॉपिक्स खत्म हो गए इफ आर डन विद दीज टॉपिक्स देन आपका सिलेबस कंप्लीटली समझो ठीक है और रिविजन पे आप आ सकते हो यू कैन रिवाइज द टॉपिक्स ठीक है अब रिविजन कैसे करना है देखिए रिविजन के अंदर अगर आपने पहले से रिविजन करे करी होगी बहुत बच्चों ने ऑब्वियसली मैंने वीडियोस डाली थी अभी भी अगर आपको लग रहा है कोई आपका वीक टॉपिक है कोई आपका ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत पहले रिवाइज़ किया था और अब आपको नहीं याद है नॉटेबल टू रिमेंबर बट हाँ अगर रिवाइज़ कर लोगे तो हो जाएगा तो वो टॉपिक्स आप पिक करने की कोशिश कर सकते हो कोई वीक टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सबसे पहले वो करोगे एंड फिर अगर कोई और टॉपिक वीक है उस पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अगर काम कर लूँगी तो वन टू या थ्री मार्क्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली गो है स्टडी दोज़ टॉपिक्स ठीक है अगर सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो अटेम्प्टिंग मार्क्स इन लास्ट टू टू थ्री टू डेज के अंदर ही टू टू थ्री तो नहीं है टू डेज के अंदर ही अटैम्प्ट करें मॉक्स ठीक है ना क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया राउंड्स के अंदर आपको अटैम्प्ट करना है टू राउंड्स के अंदर तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे प्लस यू you नो know, थोड़ा फियर होता है एंगजाइटी होता है वो भी हैंडल करनी आ जाती है एक ऑनलाइन है ये एग्जाम तो मेरे अगर आप मॉक्स लोगे तो ऑनलाइन मोड में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ना तो अटैम्प्ट करने हैं मॉक्स बहुत सारे बच्चे जो हैं बाय करके बैठे होंगे और अटैम्प्टी नहीं करेंगे चाहिए मॉक्स अटैम्प्ट करिए ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे से अटैम्प्ट करिए कहीं और करिए बट मॉकस अटैम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि एक बार ना आपका दिल में जो डर होता है वो निकल जाता है बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें डर लग रहा है अरे क्यों डर लग रहा है जाओ मॉक टेस्ट सॉल्व करो अच्छे से बैठकर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है ठीक है इसके बाद डिस्कस करेंगे कि मोटिवेटेड कैसे रहना है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि दी हमें डर लग रहा है एक्चुअली मैं सारे मैसेजेस पढ़कर ही यहाँ पर आई हूँ तो मोटिवेशन मोटिवेशन के लिए क्या करना है मैं हमेशा तो मैं समझाती हूँ कि इट तो इज़ तो वेरी तो इंपॉर्टेंट तो टू तो डू जर्नलिंग जितने भी अपने डाउट्स हैं मन के ठीक है ना डाउट्स आ रहे होंगे कि अगर मेरे से थ्री ईयर लॉ नहीं क्लियर हुआ अगर मेरे को जी मुंबई नहीं मिला देखो यार हमेशा याद रखो कभी भी ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी लाइफ में आ रही हैं अगर हम इसका क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को ऑब्वियसली हमारी जिंदगी चेंज होगी अच्छे के लिए बट अगर नहीं भी क्लियर कर पाते इट मीनस देर समथिंग एल्स फॉर अस हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है आप देखिए इतने सारे लोग हैं जो लॉयर्स बने हैं उनके कोई एग्जाम क्लियर हुआ कोई नहीं हुआ बट आगे जाके वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं मतलब अगर हम हार्डवर्क करना नहीं छोड़ते अगर हम अपनी जिंदगी से सीखते नहीं रहते और आगे नहीं बढ़ते रहते तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा ठीक है ना तो हमें डरने से क्या होगा अगर एक बच्चा है वो फियर में जा रहा है एंगजाइटी हो रही है उसको उल्टियां लगी हुई हैं ठीक है ये सब हो रहा है और एक बच्चा है वो कूल और कॉन्फिडेंस से जा रहा है ठीक है ना मतलब लोगों को देख कर उससे कॉन्फिडेंस क्या जेलेसी हो रही है कि भाई इतना कूल है कैसे ठीक है अब ये कूल और कॉन्फिडेंस वाला इसके प्लस फाइव तो वैसे ही ले लो और इसके माइनस फाइव वैसे कर लो क्योंकि ये डर के मारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर आएगा ठीक है और वो प्लस फाइव वैसे ही ले जाएगा बिल्कुल कुलनेस के मारे उसको बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी तो तो यार देखो क्लियर हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो यार जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे चलो चलते हैं एग्जाम देकर आते हैं ठीक है ना अब यार, यार यहां पर मैं आपको हमेशा से एक बात और समझाती आई हूं कि अपने आपको हमेशा बोलोगे यार मुझे एग्जाम में ना हंड्रेड देना है ठीक है मुझे 100 परसेंट देकर आना है अपने आप को एग्जाम अपना एग्जाम में और अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए कुछ गलत हो रहा है कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप से पूछो यार क्या सबसे बेस्ट चीज़ का कर सकती हूँ मैं अपने साथ अभी वो मैं करूंगी मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया तुम्हारे हिसाब का नहीं आया तो अच्छा बेस्ट चीज़ का कर सकती हूँ चलो ढूंढे वो क्वेश्चन जिसका आंसर आता है वो करेंगे हम सॉल्व ठीक है ना तो सोल्यूशन ऑरिएटेड होना चाहिए कि ये बच्चे होता है पेपर का पहला क्वेश्चन ही आता भाई दस मिनट ढूंढने में निकाल दी नहीं ये दस मिनट में दस क्वेश्चन ढूंढो तो तुम कर सकते हो ठीक है सोल्यूशन ओरिएंटेड अब यहाँ पर मैं तुम्हें बार बार समझा के भेज दूँ कि हमारी ड्यूटीज होती है ज़िंदगी में और कुछ गोल्स होते हैं है ना अभी तुम्हारा गोल क्या है कि तुम्हें लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया एक अच्छे खासे लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली है ना ये तुम्हारा गोल है ड्यूटी क्या है कि मैं स्टडी करूं बहुत सारे बच्चों को गिल्ट हो रहा होगा इस टाइम पे कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी मेरे पास टाइम तो बहुत था पर मैंने नहीं पढ़ा ठीक है बहुत सारे बच्चों को दुख हो रहा होगा ये सब कुछ छोड़ दो प्रेजेंट में क्या कर सकते हो ठीक है प्रेजेंट में ये कर सकते हो कि पढ़ा नहीं पढ़ा कॉन्फिडेंस से जाकर एग्जाम देकर आ सकते हो है ना कर सकते हो तैयारी येस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन सभी बताओ मुझे कर सकते हो ये ड्यूटी फुलफिल करोगे लॉगे दीदी की कि सभी लॉगेरियस जाकर कॉन्फिडेंस से एग्जाम देकर आ जाए बस मेरे लिए तुम विनर हो अगर कॉन्फिडेंस से एग्जाम देकर आ गए मेरे लिए विनर हो यार हम कुछ और भी कर लेंगे अपनी जिंदगी का फॉर श्योर sure, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी ठीक है बट कॉन्फिडेंस से फेथ के साथ एग्जाम देकर आना है ठीक है जी उसके बाद रिविजन रिविजन कैसे करनी है फ्रॉम द सेम सोर्स ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिविजन कैसे करनी है फ्रॉम द सेम सोर्स मैं लिख देती हूँ मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं ठीक है सेम सोर्स से करने कोई भी नया सोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करना अनटिल एंड अनलेस टॉपिक जो है वो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नया सोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तब करोगे इंपॉर्टेंट जो मार्क्ट है पॉइंटर्स बनाए हुए हैं वही चीज रिवाइज करो स्किप एंड स्किम कर लो नहीं तो ये ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो ठीक है एग्जाम वाले दिन के लिए मैं आपको एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले मैं आपको ये कहूंगी कि अपना प्लानिंग थोड़ा करके रखोगी यार ये 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 करना है ताकि हौच पॉच ना हो डर ना लगे कि यार करना था ये रह गया ये सब ना हो ठीक है एंड ऑल्सो अपना एडमिट कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट अच्छे से निकलवा लेना जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना अगर तुम चाहते हो मैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन तो मैं बताऊँ तो वो उसकी फ़ोटो मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे मैं यू नो आपके साथ एक बार पढ़ दूंगी आपको कि ये ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए आराम से करवा दूंगी वो मैं कोई भी और डाउट है कॉमेंट कर सकते हो ठीक है एंड एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया क्वेश्चन शेयर करना मेरे साथ दैट्स इट लॉगिरी साइनिंग ऑफ एल सी सुपसुन बाइन टेक केयर